नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बोकारो में रह रहे तमाम उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जब समाज में उनको एक विशेष योगदान या विशेष उपलब्धि मिलती है। तो हम लोग आज एक ऐसे शख्सियत से बात कराने जा रहे हैं आपको, और उनको जो मिला उपलब्धि है उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं चास के प्रसिद्ध डॉक्टर निशांत कुमार, जो कि आकाश हॉस्पिटल और के एम मेमोरियल में अपनी सेवा निरंतर रूप से देते आ रहे हैं जनरल फिजिशियन के रूप में। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में ये हों या इनके भाई हैं डॉक्टर आकाश या इनके पिता हैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी, वो कोरोना काल में भी ये जो परिवार है लगातार पूरे बोकारो वासियों की सेवा में अपनी जान की बिना फिक्र किए हुए लोगों की सेवा किया, जिसका मिसाल पूरे बोकारो के लोगों ने देखा है। तो हम लोग बात करेंगे डॉक्टर निशांत जी से कि क्या इनको उपलब्धि मिली है। सबसे पहले निशांत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, बताया कि क्या उपलब्धि मिली है जिसके लिए आज आपने हम सभी लोगों को बुलाया है, क्या क्या ऐसी उपलब्धि मिली है जो बोकारो के लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि आकाश हॉस्पिटल पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से कह सकते हैं कि फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दे रहा है, और हम लोग सेंट जॉन्स रेड क्रॉस से एफिलिएटेड से उनसे हम लोग जुड़ के सर्टिफिकेट ट्रेनिंग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देते थे, और एक सर्टिफिकेट भी निर्गत होता था। फर्स्ट एड ट्रेनिंग और उसका सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके माइनिंग के एरिया में, माइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों के लिए एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, एक ट्रेनिंग है। वो लोग अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, ओपन कास्ट माइंस में काम करते हैं, जहाँ पे उन लोगों का और उनके साथियों का जान का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है कि उन लोगों को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाए। तो ये पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा था। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा था कि सर्टिफिकेशन होने में दिल्ली से बहुत ज़्यादा देर होता था, जिसके कारण कई बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा था। वो अपना माइनिंग्स का ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले रहे थे और बाकी जो रिलेटेड ट्रेनिंग्स था वो सब कंप्लीट हो जा रहा था। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रहा था, मगर सर्टिफिकेट दिल्ली से निर्गत होने में एक लंबा वक्त लग रहा था। इसी में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन, तो DGMS और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों ने पहल किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ट्रेनिंग जो देते हैं वो अपना सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। मगर उन लोगों ने एक अपना मापदंड बनाया, गेजेट निकला था, ये पिछले साल अगस्त की बात है, अगस्त 2021 में एक गेजेट निकला था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, तो उसके तहत हम लोगों ने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हम लोगों ने DGMS को अप्लाई किया। फिर वहाँ से पूरा एक टीम 22 जनवरी को हमारे यहाँ निरीक्षण करने आया था, और उनका बनाया हुआ जो मापदंड था उसके अनुकूल, या हम ये कह सकते हैं कि उससे और भी ज़्यादा बेहतर, अच्छा, जितनी भी सुविधाएं उन लोगों ने मांगी थी वो सब सुविधा हमारे सेंटर पे मौजूद था। तो जितने भी टीम आए थे वो पूरा निरीक्षण करके देख कर और बहुत खुश हुए कि हम लोग पिछले 25 वर्षों से इस प्रकार का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बिल्कुल देर ना करते हुए 22 को मेरे यहाँ निरीक्षण हुआ, और बिल्कुल 2 या 3 दिनों के बाद 25 तारीख को मिनिस्ट्री के तहत हम लोगों को एक लेटर हुआ, ऑथराइजेशन लेटर, एफिलिएशन लेटर, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग देने का तो दिया ही गया, साथ ही साथ अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। निशांत जी, हम जानना चाहेंगे कि फर्स्ट एड के बारे में तमाम हॉस्पिटल में जैसे आकस्मिक सुविधा होती है, या फिर ये जो बोकारो है या पूरा झारखंड है ये कोयलांचल के रूप में है, तो जैसा आपने बताया कि माइनिंग्स के माइंस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो घटनाएँ होती हैं, उसमें फर्स्ट एड का सबसे पहले ज़रूरत होता है, और छोटे छोटे जो मेडिकल होते हैं वहाँ भी फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के द्वारा जिनको अगर सर्टिफिकेट प्राप्त है तो वो काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कितना जरूरी है इन सभी हॉस्पिटल और माइंस और छोटे छोटे मेडिकल दुकानों में बैठने वाले लोगों के। हम केवल दुकानों में बैठने वाले लोगों के लिए या हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों के लिए बात नहीं करेंगे। हम अगर कहें तो एक ऐसा हमारे सामने परिवेश है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण होना चाहिए। आप अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो निश्चित तौर पे वहाँ पे डॉक्टर है, प्रशिक्षित स्टाफ है, वो किसी न किसी रूप में पूरा प्रयास करके जान को बचाया जा सकता है। मगर वहाँ पे जहाँ कोई मौजूद नहीं है, जहाँ केवल एक आम आदमी है, वहाँ कौन किसको क्या मदद करेगा। इसलिए यह प्रशिक्षण हर एक व्यक्ति के लिए है। हम लोग
के पास कई प्रकार का मॉड्यूल है, यहाँ तक है कि हम लोग जो लिखने पढ़ने नहीं जानता है उसको भी कई प्रकार के फर्स्ट एड के ट्रिक्स बताते हैं कि अगर कहीं पे कुछ दुर्घटना हो गया है, ब्लीड कर रहा है, जो मेजर कॉज होता है अगर हम लोग कहते हैं शॉक में जाने का या डेथ होने का किसी प्रकार के आरटीए में, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं, एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई करके आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो कई तरह के ट्रिक्स हैं जो हम लोग प्रशिक्षण के दौरान देते हैं, और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि केवल इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग नहीं, बल्कि अगर देश का हर एक सदस्य, हर एक देशवासी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण ले ले, तो निश्चित तौर पे हम लोग है कि हम लोग जो लिखने पढ़ने नहीं जानता है उसको भी कई प्रकार के फर्स्ट एड के ट्रिक्स बताते हैं कि अगर कहीं पे कुछ दुर्घटना हो गया है, ब्लीड कर रहा है, जो मेजर कॉज होता है अगर हम लोग कहते हैं शॉक में जाने का या डेथ होने का किसी प्रकार के आरटीए में, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं, एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई करके आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो कई तरह के ट्रिक्स हैं जो हम लोग प्रशिक्षण के दौरान देते हैं, और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि केवल इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग नहीं, बल्कि अगर देश का हर एक सदस्य, हर एक देशवासी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण ले ले, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में मौतें बहुत ज़्यादा होता है या किसी भी तरह का इंसिडेंट में, उसको हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मतलब हर घर में अब छोटे छोटे डॉक्टर जो बनाने की तैयारी कर ली है। अब मैं ये कह पाना बहुत ही टेक्निकल युद्ध हो जाएगा कि छोटे छोटे डॉक्टर, कभी नहीं, हम छोटे छोटा डॉक्टर नहीं बनाते हैं। आपको बता दें, डॉक्टरी पढ़ना, डॉक्टर बनना, मतलब ये बहुत ही तपस्या का चीज है। भी सर, फर्स्ट एड मतलब बोला जाए कि प्राथमिक उपचार जो होता है, उसके लिए तो आप हर घर में छोटा मिनी डॉक्टर कम से कम पैदा बनाने की तैयारी में। हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, अभी के मूवी में बहुत कम, मगर पहले के मूवीज में अक्सर आता था, कोई पेशेंट को लेके या कोई एक्सीडेंट केस को लेके जब हॉस्पिटल पहुंचता था तो डॉक्टर कहता था कि आप आने में बहुत लेट कर दिए। तो ये जो वर्ड था ना, आप आने में बहुत लेट कर दिए, वो अब नहीं चाहते हैं कि अब कोई बोले। जब तक वह अस्पताल आए तो उस दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पहुंचने के बीच में उसको एक प्राथमिक सहायता दे दिया जाए कि वह अस्पताल तक सही सलामत पहुंच जाए, उसके बाद तो डॉक्टर्स हैं ही अपना कार्य करने के लिए। अगर इन सभी चीजों को सीखना होगा तो लोग कैसे आपसे संपर्क करें, कहां मिले, के मोमोजी मिले या आकाश हॉस्पिटल मिले या आवास भी मिले, कैसे आपसे संपर्क करें? हमारा ये सेंटर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन आकाश हॉस्पिटल, ये भगवती कॉलोनी चास बोकारो में स्थित है, जो कि हमारा जो क्लिनिक है आकाश हॉस्पिटल, उसके बगल से एक रास्ता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ हमारा स्टाफ है, हम रहते हैं, और भी कई लोग जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी गण, वो सब रहते हैं, तो वो प्रॉपरली गाइडलाइन दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर सभी जगह है, ऑलमोस्ट इस जिला के कई लोगों के पास मेरा नाम और नंबर है, तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ आ सकते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निशांत, इन्होंने बताया कि फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट होता है या उसकी जो जानकारी होती है कि कैसे आप किसी भी मरीज को, अगर घर में आप तबीयत अचानक खराब हुआ, बच्चा है, हर घर में ये प्रॉब्लम होती है, अगर इस चीज़ को आपको जल्द समझ। निशांत इन्होंने बताया कि फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट होता है या उसकी जो जानकारी होती है कि कैसे आप किसी भी मरीज को, अगर घर में आप तबीयत अचानक खराब हुआ, बच्चा है, हर घर में ये प्रॉब्लम होती है, अगर इस चीज़ को आपको जल्द समझना है और डॉक्टर के पास अपने मरीज को अगर सुरक्षित रूप से पहुंचा के आगे के इलाज के लिए आपको कराना है, तो उसके लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको सीखना अगर है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी बोकारो की तमाम वो शख्सियत और जिस प्रकार से लोग हैं उनसे हम लोग मिलाते रहेंगे, लेकिन हम लोग इसके बीच आपको जो इनके चेयरमैन हैं और डॉक्टर निशांत की माँ हैं, इनसे भी हम लोग कुछ पूछना चाहेंगे कि मैडम किस प्रकार से, अगर आपकी तो पूरे घर में डॉक्टर है, तो बोकारो की सेवा भी आपके परिवार लगातार करते आ रहे हैं, कैसा महसूस होता है और समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? समाज के लिए मैं डॉक्टर पद्मा, चेयरमैन SWF, मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को, मतलब अधिकतर लोग का जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, इसका ट्रेनिंग दे करके, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दे करके उसको इस अकाल मृत्यु से बचाया जा सके, यही हमारा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य। तो आपने देखा कि पूरी संस्था के हर लोगों का ये अभियान की तरह है कि इस जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और जो ट्रेनिंग है इसको देने का, हम लोग पूरे बोकारो वासी ही नहीं, पूरे झारखंड वासी ही नहीं, जो हमारे सेंटर में आएंगे उनको हम लोग ये सर्टिफिकेट देके और उनको ट्रेनिंग देकर लोगों की जान बचाने में
काम आएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस।